और ये है आज की ताजा खबर। हम लोग तो लोगों की मांग चल रही है कि हम लोग का वजन मुद्दा है और 5 बजे तक हम लोग मांग कर रहे हैं सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी 5 बजे तक हम लोग मांग रहे हैं सरकार से। और यूपी में जितने लोग हैं ये लोग अपनी मांग सब्सिडी पुराना बहाल कराना चाहते हैं और उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों का ये है कि नया कानून 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडी समाप्त करके नया कानून लागू किया। और आप लोग लेकर हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को आपने दिया? जी हाँ, हम लोग लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल महोदय को, कपड़ा मंत्री को और रमन प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को, इसके अलावा केंद्र सरकार में हम लोग जो है राष्ट्रपति जी को दिए और प्रधानमंत्री को दिए और केंद्रीय कपड़ा मंत्री को दिया गया और गरीबों की प्रथा बताई गई कि देखिए गरीबों को पीड़ा क्या है। 1 किलो से 5 किलोवाट तक जो बुनकर है पूरे प्रदेश में 96,130 कनेक्शन है पूरे उत्तर प्रदेश में बुनकरों का, और समझिए कि उसमें से 90% बुनकर जो हैं वो 1 से 5 किलो तक के हैं और 10% लोग ये बुनकरों को खाली बरगला के समझा के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इसके एकदम विरुद्ध हैं। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग चला रहे हैं और सरकार को उम्मीद है कि सरकार कई बुनकरों के ऊपर रहम दिली से काम लेंगे, ये ऐसा हम लोग को उम्मीद है। अब तक 8 एप्लीकेशन हम लोग दे चुके हैं और इसका सारा कापी हम लोग के पास है। अब आप ये जान लीजिए कि गरीब बुनकरों की बहुत बुरी स्थिति है। एक तो मार्केट नहीं है, ऊपर से दे दिया तो कहना ये है कि 72 रुपये महीना में जो हम लोग जो है घर से चलाते पावन आ रहे थे, अब उसी पावन पर 2,000 से 3,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। ये बुनकारी समाप्त होने वाली कानून आया है, इस कानून से बुनकर 1 दिन जिंदा नहीं रह सकता, लुप्त खत्म हो जाएगा। ये हम लोग प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।